नामपल्ली हलका और अहमदनगर डिवीजन में आज हमारा जो पैदल दौरा है, ये जो कांग्रेस 6 गारंटीज का जो हम वादा करे थे कि क़यादत में आते कि 100 दिन के अंदर हम उसको अमल कर देंगे, और जैसा हम क़यादत में आए 50 घंटे भी नहीं हुए थे, महालक्ष्मी स्कीम जो फ्री बस स्कीम है महिला के लिए, ख़वातीन के लिए, उसको हम अमल कर दिए, और उसके बाद में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ गवर्नमेंट आके हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिए। नामपल्ली हलके में 28 सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, और हर एक सेंटर में हमारे भी कार्यकर्ता वहाँ पर बैठकर पब्लिक की मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट से जो भी ऑफिशियल्स है वो तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, साथ साथ हमारे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और पहले दिन से हम एक नारा लगाए थे कि ये स्कीम कोई 1 रुपया खर्चा करने की अब ज़रूरत नहीं है, ना कोई दलाल की ज़रूरत, ना कोई दलाल की ज़रूरत, ना कोई ब्रोकर की ज़रूरत, ना हमारी पार्टी से कोई 1 रुपया लेना, ना सामने वाली पार्टी से कोई 1 रुपया लेना। और ये मुहिम पूरी आवाम में चले गई, और इसी सिलसिले से जब हम इख्तदारात में नहीं थे तो हम आवाम के सामने ये बोल रहे थे कि जब भी हम पावर में आ जाएंगे, इख्तदारात में आ जाएंगे, आपके घर तक आएंगे, तो गवर्नमेंट या गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप्स, बोलते आपके दहलीज तक। और कांग्रेस पार्टी, खुसूसी हमारे मुख्यमंत्री और फिरोज खान का कभी भी ये बोलना था कि हमारी जो आवाम है वो मालिक है और हम उनके नौकर हैं, तो नौकर को घर तक आना है। उसी बातचीत को सच करने के लिए आज हम हर घर तक जा रहे हैं, और हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि आप फॉर्म सबमिट करें क्या, आपको फॉर्म सबमिट करने में कोई दिक्कत हो रही क्या, और जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे हमारे ऑफिसर्स आपके घरों को आएंगे, और जो भी हकदार उसको बराबर हमारे स्कीम्स लागू करेंगे। ये पॉइंट पे आज हमारा पैदल दौरा अहमदनगर डिवीजन पे है। अवेयरनेस तो आ चुका है, मैं टोटल 100% अवेयरनेस है क्या, आवाम को इसकी इतला है क्या, कहाँ तो भी आवाम को मुश्किल हो रही क्या, और 6 तारीख जो हमारी डेडलाइन है, ये डेडलाइन काफी है क्या, या ये डेडलाइन को हम कुछ एक्सटेंड करना क्या, गवर्नमेंट को मैं कुछ प्रपोजल देना क्या, तो किसी और से पूछने के बजाय खुद मैं रोडों पे निकलकर हर दुकान, हर बस्ती, हर किसी से पूछ के मैं ये मालूम करूं कि ये स्कीम आपको पहुंच रही, कुछ दिक्कत है या मामला सही है, तो ये इंक्वायरी करने के लिए मैं रोडों पे निकल चुका हूं। अभी आपके बीच में जो है यहाँ के सबका एमएलए जो है आपके दौरे में आए, तो इस मसले में आप क्या कहना चाहेंगे आवाम के बीच, दोनों भी आए, आप भी आए? देखिए सुनिए, अब वो जो यहाँ के एमएलए आए हैं, तो ज़रूरत नहीं है, आपका काम आप करिए, हमारा काम हम करते हैं, हमारे को मालूम है आप भी आवाम का काम करते हैं, हम भी आवाम का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ की हमारे को खुशी हो रही है, कांग्रेस के स्कीमों में ये लोग बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहे, और आप देखे होंगे लास्ट टाइम एक वीडियो पे असदुद्दीन हमारे फॉर्म्स बांट रहा, और वहां ऊपर कैप्शन था अच्छे अच्छों को काम पे लगा देते कांग्रेस वाले। तो इसी तरीके से ऐसे वैसे एमएलए को भी काम पे लगा देते फिरोज खान के टीम वाले। सो हमारा मकसद किसी को तनखीद करना नहीं है, ना कोई हमारी, हम वो गली में भी जा रहे जहां पर हमारे को वोट नहीं गिरे, क्योंकि ये पूरे दाव पेश चुनाव के टाइम पे देख लेने का, चुनाव हो चुका है, बेशक एक बहादुर इंसान की तरह आप जीते हुए हैं, आपको सलाम, हमारी सरकार है, आप हमारे को भी सलाम करना, यहाँ पर ही होती है
मर्दानगी, राइट, दो चार आप बातें करें, हम आपको पलटा के बातें करें, ये शोभा नहीं देता, राइट। सर ये जो स्कीम का फायदा पब्लिक कब से उठाएगा? देखिए कांग्रेस अभी कितना टाइम लगेगा, कांग्रेस जब ख्यादत में नहीं थी हमारा वादा था कि हम 100 दिन में करेंगे और आज को एक महीना भी नहीं होने आया, उसके बावजूद हमारा काम हम स्टार्ट कर दिए, तो इंशाल्लाह जो हम वादा करें 100 दिन के अंदर बराबर 100 दिन से पहले हमारे पूरे स्कीम्स लागू हो जाएंगे। कल से एक न्यूज आ रही है सबके जो है केटीआर का बयान आ रहा है कि 420 है, तो इस मसले में आप क्या बोलना चाहिए? 420 क्या है? फिरोज खान जो है 420 है बोल के बोल रहे हैं। नहीं नहीं फिरोज खान नहीं बोले, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के स्कीम्स 420 है बोले। तो मैं केटीआर को स्ट्रेट पूछ रहा हूँ, केटीआर केसीआर टीआरएस बीआरएस 10 साल तक तुम हुकूमत में थे, तो 420 पांच साल के लिए और एक एक पांच साल के लिए 420 840 तुम लोग आए। कांग्रेस जुम्मा जुम्मा 4 दिन में हुआ, एक महीना पूरा नहीं हुआ, हमारे स्कीमों को आप 420 कैसा बोलते? तो केसीआर जो है, केटीआर जो है बोखलाट का शिकार रही बात फिर जाल। केटीआर ये बोला कि कांग्रेस पार्टी के स्कीमा 420 है, तो मैं केटीआर को समझा रहा हूँ, अरे केटीआर तू रात में क्या ज्यादा दाल लिया, या तू बोखलाट का शिकार है, या तू परेशान है, या तू बौरान है, या तो तू सरक गया, एक महीने के अंदर कई के स्कीमा बोखा से रे बाबा, 10 साल से जो तुमने लूटे तेलंगाना को, हर स्कीम में तुमने झूठ बोले, नौकरियां देते बोले दिए, डबल बेडरूम दिए, मुसलमान को 12% दिए, वक्फ बोर्ड दिए,